अब बात करेंगे धनबाद की, जहां SNMMCH से प्रसूता महिलाओं को जबरन रेफर किए जाने की बार बार आ रही शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा SNMMCH पहुंची, जहां सबसे पहले डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण किया, जहां दो सप्ताह पहले आगलगी की घटना हुई थी और तकरीबन 10 लाख से अधिक रुपए का आरओ मशीन और अन्य केमिकल जलकर नष्ट हो गए थे। वहीं वहां रखा करोड़ों रुपए का डायलाइजर केमिकल भी नष्ट हो गया था। डायलिसिस यूनिट के निरीक्षण के बाद उन्होंने स्त्री और प्रसूति विभाग का निरीक्षण किया और वहां से महिला प्रसूता मरीजों को रेफर किए जाने के संबंध में प्राचार्य से पूछताछ की तो उन्होंने फैकल्टी की कमी का रोना रोया। वहीं आचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर ज्योति रंजन ने उपायुक्त से मांग की कि उन्हें सदर अस्पताल में मौजूद रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक को डेपुटेशन पर उपलब्ध करा दिया जाए ताकि यह रेडियोलॉजी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने बताया कि बहुत जल्द एक समन्वय समिति की बैठक बुलाई जाएगी और जिले के सभी सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों को वहां एक मंच पर बिठाया जाएगा। यहाँ से लेटर आएगा तो अभी जो अल्ट्रासाउंड में मरीजों को समस्या है वो कैसे दूर हो रही है? वो तो यहाँ पर एक यूनिट पे चलता है उसी के थ्रू होगा। तो उसके पास भी तो डॉक्टर नहीं है? हाँ, वो डॉक्टर की तबीयत खराब हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अंकल को, तो हमने कहा है कि आप एक व्यवस्था कीजिए, तो चले गए तो दूसरा कोई व्यवस्था कीजिए। अगर सर निकल जो जो आग लगी थी डायलिसिस यूनिट में, उसमें बहुत सारे तत्व सामने आया था, जाँच भी हुए थे, उसमें क्या कुछ आया? उसमें यही हुआ कि एक रूम जो साइड वाला था डायलिसिस यूनिट के यूनिट में ही एक साइड में रूम है, उसमें आरओ मशीन जला है और कुछ जो वर्किंग सोल्यूशन थे और कुछ रिएजेंट थे वो सब निकल गए। कितना का नुकसान? आज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में हम लोग का जो निरीक्षण था ये एक सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत निरीक्षण था। उसमें हमने कॉलेज के प्रिंसिपल और यहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे बात करी, उनकी समस्याएं जानी, उनकी फैसिलिटी हम लोगों ने जानी। जिला प्रशासन की तरफ से उनको बस यही निर्देश दिया गया है कि पेशेंट्स की सुविधा को हमने ध्यान में रखा, रिसोर्स की जो समस्या है उसके बीच में हम लोग पेशेंट को कैसे बेहतर तरीके से सर्व कर सकते हैं, कैसे उनके लिए जो दवाएं हैं और अन्य सुविधाएं हैं उसको सर समय उपलब्ध करा सकते हैं, यही प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया। जी मैडम, यहाँ पर समस्या ये है जैसे कि जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं, चिकित्सा की कमी के कारण दूर जगह रेफर कर दिया जाता है, इसको कैसे दूर करने की पहल की जाएगी?